क्या आपको पता है ताश के पत्तों के चारों बादशाहों में किंग ऑफ हर्ट्स यानी पान के बादशाह में उनकी मुछे क्यों नहीं है? और क्या आपको पता है कि ताश के चारों राजा सच में किसी देश के राजा हैं? आपको इस वीडियो में ताश से कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, हमारे पास जो ताश होता है उसका चलन आज नहीं 14वीं सदी से ही शुरू हो गया था और यह सबसे पहले यूरोप में शुरू हुआ था और उस समय भी उसमें बॉल पत्ते ही हुआ करते थे और आज हम लोग बॉल पत्ते से ही खेलते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब 16वीं सदी आया तो एक बार फिर ताश में कुछ मॉडिफाई किया गया और वही समय माना जाता है उस समय ताश के चारों राजा को भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया था और उनका नाम सभी ने राजाओं को मॉडिफाई करने के लिए कुछ राजाओं को चूज किया जिसमें सिकंदर महान, डेविड, सालेमैन और अगस्टस को चुना गया था और इन्हीं को उस ताश में रूपांतरण किया गया है। जो आज हम ताश खेलते हैं उसमें हम जो बादशाह को देखते हैं वो यही सब है। जैसे पान के पत्तों के बादशाह फ्रांस के राजा सालेमैन की फोटो है, डायमंड के बादशाह यानी ईंट के बादशाह में रोमन के राजा सीजन अगस्टस की है, चिड़ी के बादशाह मैसेडोनिया के राजा सिकंदर महान है तथा हुकुम के बादशाह इजराइल के राजा डेविड है। फैक्ट नंबर 3, पान के बादशाह को कभी कभी उस जमाने में कभी कभी उनको सुसाइड किंग कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि आपने देखा होगा ताश में कि अपने सिर के पीछे एक तलवार लिए होते हैं, वो इसलिए रखते थे क्योंकि वो पीछे से उनका सिर मुबारक करने के लिए यूज करते थे। फैक्ट नंबर 4, आपने देखा होगा ताश के पत्ते में जोकर होते हैं। दरअसल ये पत्ते जानबूझ कंपनी डालती है। इसका मतलब होता है अगर ताश के पत्ते में कोई पत्ता खो गया या फट जाए तो आप उसकी जगह जोकरों का इस्तेमाल करके आप उस पत्ते का दर्जा दे सकें और ताश खेल सकें। फैक्ट नंबर 5, ताश की पैकेट में बॉन ही पत्ते क्यों? ताश के पैकेट में बॉन पत्ते इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक साल को दर्शाते हैं। तब ताशों से ही सब चीजों को ज्ञात किया जाता था, उसमें कैलेंडर न होने वजह से हमें ताश से ही मेरे भ्रमसों को भविष्य बताते थे। एक साल में 52 सप्ताह 52 पत्तों को दर्शाता है। एक साल में 4 ऋतुएं ताश के 4 कलर दर्शाता है, हुकुम, लाल, चिड़ी व ईट को दर्शाता है और 4 ऋतुओं में 3-3 महीने मतलब 3 बड़े कार्ड, बेगम, गुलाम और बादशाह। और यही कारण है ताश का हमारे भविष्य से एक लंबा नाता हुआ करता था। उसमें आज भी बहुत से लोग हैं जो ताश से हमारे भविष्य को बताते हैं। फैक्ट नंबर 6, जब 1600 ईस्वी के आसपास ताश मॉडिफाई किया जा रहा था तो उस समय मॉडिफायर लाल पान के बादशाह में राजा का मूछ बनाना भूल गए और तब से ही आज तक लाल पान के बादशाह में राजा के मूछ नहीं है। इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।